वियतनामीज पूरा का पूरा क्विजीन हो सकता है, मुझे नहीं पता था, मैं थोड़ा सा अनपढ़ टाइप हूँ, पर मेरी बाइको ने मेरे को बताया हो सकता है, तो मैं उसको डेट पे लेके जा रहा हूँ वियतनामीज फूड खाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट इज। मैं हम लोग डाउनटाउन एरिया में, और यहाँ पे अल्लू अर्जुन का कोई बहुत बड़ा फैन है। ये अच्छा है, वियतनामीज फूड ही नाम है रेस्टोरेंट का भाई साहब। तो आ गए हम लोग इधर, और पता नहीं जब तक मेरा ऐसा पेपर वाला मेन्यू नहीं मिलता ना, तब तक वाइब नहीं आता, ऐसा लगता है अपन ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं, है कि नहीं। आई थिंक इट्स द सेम थिंग विद हाथ से खाना वर्सेस चम्मच से खाना, फील तो हाथ से ही आता है। पेट पीव का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा एक पेट पीव ये है कि जब मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ ना, मेन्यू कितना भी महंगा हो कोई टेंशन नहीं, मतलब जब खाने का मन है, जब खर्चा करने का मन है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे पानी की बात आती है ना, मेरे को पानी के लिए जब कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगता है, मतलब हायर बड़ा वाला पानी का, तब मेरा दिमाग खराब होता है। अपन अपना पानी लेके घूमते बाबा। हाँ नहीं तो भाई साहब, महक ने ये ऑर्डर किया है लीची सोडा, मेरे को दूर से देख के लगा इसमें कालामारी क्या कर रही है। एक कप देख रहे हो, इसको बिना गिराए कैसे खाएं, दैट इज अ चैलेंज। एक तो मेरा चॉपस्टिक में मेरा चॉप होता है। ओह वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बाइट ले दो मैं इसको, ठीक है। हाउ इज इट गोयो? पहले बात लो। ओके, तो मेरा है चिली स्टर फ्राई, फाइव बोल दिया, चिली स्टर फ्राई प्रॉन्स और राइस, और मैडम के लिए ये भगोना क्या है होने वाला है इसमें मैडम? देख के इतना हेल्दी लग रहा है, बगीचे में जितनी चीजें अवेलेबल थी सब डाल दिए, बगीचे में जो मुर्गियां घूम रही थी उनको भी डाल दिया। ये भी डाल सकते हैं इसमें, कैन ऐड। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, जस्ट कट इट अप एंड ऐड इट, नॉट लाइक दैट, यू हैव टू रिमूव द लीव्स। तोड़ना पड़ेगा तो फिर कैसा आएगा उसमें फ्लेवर? हमने तो सिर्फ मेन कोर्स मंगाया था, हमको मिल गया ये हमने खाना खा लिया है। गलती से हमको हमारे खाने में हल्का सा क्या मिला बेबो? लिंट तो चॉकलेट होता है। किसी के कपड़े का कुछ हल्का सा मिल गया हो, हाँ धागा मिल गया। बेचारे लोग आए फुल अपोलोजाइज, अरे होता है गलती होता है बोल के, एंड देन उसके बाद क्या पॉइंट आउट कर रही है, बुर्ज खलीफा दिखाया मैंने इन लोग को, हाँ दिखाया, वो तो मैं हूँ। सो मस्ती मत कर, मस्ती मत, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मस्ती मत कर। अरे क्या हुआ उसमें वो के तले, वो मुझे ही मिले, लिरिक्स ही बता पर कॉन्फिडेंस दीवाना मैं चला, अगर ये जाने देंगे तो मुझे दुबई में 10 साल हो गए और मुझे किचन का कुछ नहीं आता, नॉट बिकॉज कि मैं लड़का हूँ, इसलिए बिकॉज मैं हॉस्टल में था और हमको किचन में एंट्री नहीं थी, तो पूरी जिंदगी मैंने किचन में गुजारी, मतलब बिल्कुल नहीं गया हूँ मैं, गुजारी के बिल्कुल नहीं गया हूँ मैं, तो मैंने 10 साल जिंदगी भर ऑर्डर किया खाना, लास्ट 2-3 साल से ही थोड़ा सा घर पे कुक मंगाना शुरू किया, रियलाइज कि वो चीपर भी होता है और हेल्थियर भी होता है, पर अब जब से जिम चालू किया ना, तब से रियलाइज कि भाई साहब लाइक ईटिंग योर लाइक हेल्दी ईटिंग इज 80% ऑफ यू नो मेंटेनिंग वेट और रिड्यूसिंग वेट, तो इट्स जस्ट अमेजिंग। अभी मैं ऐसा एडिक्ट हो गया हूँ जिम के लिए और हेल्दी फूड के लिए कि मेरे वर्क टाइमिंग्स में कभी कभी मेरा काम जल्दी खत्म करके आता हूँ जिम पे। अभी देखो मैं जिम पे बैठा हूँ, मेकिंग श्योर आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट। एडिक्शन है ये हेल्दी चीज़, और ऐसा अच्छी चीज़ ही एडिक्शन होना चाहिए। अपने को एडिक्शन का मतलब क्या होता है, बुरी चीज़ ही रहती है कि एडिक्शन, मतलब एडिक्टेड टू ओनली द वर्ड एडिक्शन इटसेल्फ इज अटैच टू बुरी थिंग्स। I feel addiction should also be towards good things, है कि नहीं? बस ऐसे जैसे कि आजकल मुझे addiction हो गया vlog बनाने से, ये मेरा तीसरा vlog होगा इस हफ्ते। So, मैं अपना ये Apple Watch चालू करना भूल गया था, एंड मैंने आधे में तो चालू किया, पर फिर भी था इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज टुडे, आधे घंटे में आई हैव डन, रुको तुमको दिखाता हूँ, आधे घंटे में आई हैव डन अराउंड 500 कैलोरीज, हाउ क्रेजी इज दैट। आई थिंक ना मैं अभी मेरे व्लॉग्स को है ना एज अ डेली डायरी यूज़ करने वाला हूँ अच्छा खासा, बिकॉज मैं अभी जिम खत्म करके आया, सॉरी फिर मैं मीटिंग के लिए गया था जिम के बाद, और अभी घर पर जा रहा हूँ, फिर से एक और मीटिंग के लिए जाऊँगा। देखो ना बिड़ू कितना काम करता है, इसलिए प्रोटीन स्मूदी वगैरह लेना पड़ता है जिंदगी में यार, कितनी महंगी आती है स्मूदी, दिमाग खराब हो जाता है। नहीं हम लोग वर्किंग कपल है ना, डाई हार्ड वर्किंग कपल, जिम खत्म किया और मीटिंग खत्म किया, एक और मीटिंग में है, इस मीटिंग में रिकॉर्ड किया पूरा, नहीं मैंने सिर्फ ऐसा वो मिस किया, हाँ मिस किया, पर तू घर पे वॉक की ना, पर ये है वाइब्स इस एरिया की,
यहाँ पे कॉमन एरिया है, जनता जरा के बैठती है, और इधर है दूसरा एरिया जहाँ पे हमारी मीटिंग है। इधर क्या हो रहा है भाई? ने ये मस्त वर्किंग स्पेस बनाया है। अच्छा, इस पे क्या होता है समझ में नहीं आता क्या? अभी ऐसा लगता है उड़ के कहीं पे जाने वाली है। गुड ड्राइव। अच्छा हाँ, मैं ड्राइव की बात करता हूँ बड़ों के। ये मतलब अपने एक तो घर में कभी लाइट जाती नहीं है, तो हम लोग काय को कैंडल ले रहे वावा। जब मोमबत्ती बनाई गई थी ना, तो उसको बनाया गया था रोशनी के लिए, ठीक है। अभी मोमबत्ती महक के लिए ज्यादा होती है। अरे महक मेरी बाइक को, तो उसके लिए ज्यादा है। तो भाई मेरा सबसे बड़ा तकलीफ क्या होता है पता है? हम लोग के नाम से ये देख ले, रोज वाटर एंड आईवी, ये मैं पीऊँ या मैं इसको महकाऊँ? वाइट गार्डन है तो जनरली मेरे को वाइन लग रहा है ये सब। यू आर द वन, आर यू टॉकिंग टू मी स्पेसिफिकली, सेलिंग टू मी? जिंगम सिंगम होता ना। इसका नाम देख पहले, इसका नाम है कैक्टस ब्लॉसम। अगर ये ब्लॉसम करे रोज क्या करे? रोज जॉब छोड़ दे क्या? चल रहा है इधर स्ट्रॉबेरी पाउंड की खा रहे भाई साहब, चाकले काट लो अरे भाई, तो हद है ये। अरे तो इंसान पी लेगा है क्या ये वैसे? भाई साहब, हाउ ऑफन डू यू गेट टू सी अ सुप्रा? क्या बात है, उसके स्पॉइलर्स देखो तुम। ओहो, तो दिन का एंड हो चुका है, कैंडल की ढेर सारी शॉपिंग हो गई है, पता नहीं क्या कर रहा है। बट व्लॉग भी यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी अगली बार फिर मिलेंगे और चिलेंगे, है ना? धमाल।